न्यूज़ चैनल में हर रोज कहीं ना कहीं हादसे की खबर आती है। आज भी सुबह 10 बजे आईबीसी 24 के रिपोर्टर ने महासमुंद जिले के पिथौरा के पास हुए एक दर्दनाक हादसे की खबर ब्रेक कराई, जिसमें डस्टर गाड़ी में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत होने के साथ दो अन्य युवकों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी दी गई। ये खबर आईबीसी 24 की एंकर सुप्रीत कौर ने पढ़ी। इस बीच बड़ी खबर महासमुंद से मिल रही, जहां पर कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई है, दो युवक गंभीर रूप से घायल है। NH 353 पर लहरौत पड़ाव के पास ये हादसा हुआ। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा में चल रहा है। पिथौरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। ज्यादा अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता धनंजय त्रिपाठी से। धनंजय, कैसे हुआ यह हादसा? जी मैं आपको बता दूं कि पिथौरा के लहरौत के पास अंगूर गाड़ी लदी हुई ट्रक आ रही थी। ट्रक काफी तेज थी और डस्टर में पांच लोग सवार थे। लहरौत के पास आमने सामने की टक्कर हो गई साइकिल टक्कर में, और इस स्पॉट पे ही तीन लोगों की मौत हो गई है और दो लोग घायल है। जो मृतक है वो भिलाई के रहने वाले हैं। ये लोग खुद इधर आए हुए थे। अभी इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। घायलों का इलाज पिथौरा हॉस्पिटल में चल रहा है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दरअसल आज सुबह इस खबर जब आईबीसी 24 के पास हादसे की खबर आई, उस वक्त बुलेटिन हमारी एंकर सुप्रीत कौर ही पढ़ रही थी। उन्होंने ब्रेकिंग के साथ खबर पढ़ी। तब तक उन्हें इस बात का भी पता नहीं था कि हादसे में उनके ही पति की मौत हो गई थी। लेकिन रिपोर्टर के फोनों के दौरान जब हादसे में डस्टर कार की डिटेल्स और पिथौरा के पास हादसा होने के साथ मृतकों के भिलाई निवासी होने की बात बताई, तो सुप्रीत का अनहोनी की आशंका हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने न केवल ये पूरी खबर पढ़ी और बुलेटिन भी कंप्लीट किया। आईबीसी 24 सुप्रीत कौर के इस हौसले और जज्बे को सलाम करता है। साथ ही दुख की घड़ी में पूरा आईबीसी 24 परिवार सुप्रीत कौर और उनके परिवार के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़ा है। हादसे की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी सुप्रीत कौर के साथ पूरी संवेदना जताई है। तो आज सुबह जब ये खबर आई, तब हमारी सहयोगी सुप्रीत कौर ही इस न्यूज बुलेटिन को पढ़ रही थी। उनके बुलेटिन में ही ये खबर ब्रेक हुई। हालांकि तब अंदाजा नहीं था उन्हें इस बात का कि जिस खबर को पढ़ रही है ब्रेकिंग के तौर पर, जिस हादसे को पढ़ रही है, दरअसल उस हादसे में उन्होंने अपना पति खो दिया है। हालांकि तस्वीरें जब सामने आई गाड़ी की, तब कुछ अंदाजा उनको जरूर हुआ। लेकिन उन्होंने पूरे बुलेटिन को पढ़ा। आईबीसी 24 उनके इस जज्बे को सलाम करता है। पूरा आईबीसी परिवार सुप्रीत कौर उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में साथ है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी संवेदना जताई है सुप्रीत कौर और उनके परिवार के साथ।